नीट मामले में सीबीआई लगातार जांच कर रही है। इस जांच के दौरान सीबीआई लगातार छापेमारी भी कर रही है। इस दौरान सीबीआई ने पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मनीष प्रकाश छात्रों को अपनी गाड़ी में ले जाने और लाने का काम किया करता था, जबकि आशुतोष छात्रों को अपने घर में ठहराया करता था। बता दें कि नीट मामले में सीबीआई की पहली गिरफ्तारी है। दोनों गिरफ्तार अपराधियों को कोर्ट में पेश कर दिया है। मनीष को सीबीआई से पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। इसी क्रम में उसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना सीबीआई ने मनीष प्रकाश की पत्नी को दे दी है। बता दें कि पेपर लीक मामले में मनीष प्रकाश की अहम भूमिका मानी जा रही है। पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर मनीष बुक कर 25 से 30 परीक्षार्थियों को आंसर अटवाया करता था। बता दें कि किसी भी आई को इस स्कूल में जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे और इसी के आधार पर सीबीआई ने छानबीन शुरू की थी। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार दो अपराधियों चिंटू और मुकेश का मेडिकल टेस्ट हो रहा है और दोनों अपराधियों की 7 दिनों की रिमांड में भेजा गया है। इन दोनों अपराधियों को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में सीबीआई जांच बढ़ती जा रही है। सीबीआई की एक टीम बुधवार को झारखंड के हजारीबाग से ओएसएस स्कूल गई और वहां के प्रिंसिपल डॉक्टर एहसानुल हक से पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया है। डॉक्टर एहसानुल हक हजारीबाग में नीट यूजी परीक्षा के जिला समन्वयक भी थे।